हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आए हैं रामघाट पे, जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम रखा है रामघाट, और ये पहले राजघाट था। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये मेरे ब्लॉग में ये दिनेश भाई, हम इसी के साथ आए हैं। गाइस, हम आए हैं मुक्ति धाम, और ये शंकर भगवान का मंदिर है, और बहुत ही विशाल मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी संस्कृति, हमारा गौरव ये यहाँ पे है। तो गाइस देख सकते हैं, ध्यानदत्त भाई है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आज यहां पे गोरखपुर में हम लोग आए हुए हैं रामघाट पे, और रामघाट पे जैसा कि देखिए यहां पे बच्चे रील बना रहे हैं और यहां पे उस साइड बैकुंठ धाम है जहाँ आत्मसंस्कार किया जाता है। तो दोस्तों हम आए अपने दोस्तों के साथ रामघाट पे, देख सकते हैं दिनेश भाई और ये ज्ञानदत्त भाई, और इधर देख सकते हैं शूट चल रहा है अभी, और देख सकते हैं इधर रामघाट का नज़ारा पूरा बेहतरीन। शाम का समय है, सब कोई आया घूमने के लिए यहाँ पे, और ये दादी जी हैं और ये आंटी जी हैं, यहाँ से देख रही हैं सब। रामघाट पे अक्सर शूटिंग हुआ करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे शूटिंग चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पब्लिक है जो कि देख रही है। इस वहाँ पे शूट चल रहा है, तो हम लोग इधर आ गए हैं, और ये दिनेश भाई है भोला, इधर को दिखाते हैं नदी का किनारा, तो चलते हैं। और शाम का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए राजघाट पुल है, और यह शमशान घाट जो पहले राजघाट था अब रामघाट हो गया है। श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम रामघाट रख दिया है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। शाम का नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ देखिए बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ देखिए उनका पतंग है, देख सकते हैं नदी का किनारा, यहाँ देख सकते हैं पंछी। तो गाइस देख सकते हैं शाम का नज़ारा है, कितना बेहतरीन नज़ारा है, और यहाँ पे शूटिंग चल रहा है, और देख सकते हैं नदी के किनारे हम लोग आए हैं रामघाट पे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आरती होता है। गणपति जी के साथ शूटिंग चल रहा है यहाँ पे, एक आई हुई है यहाँ पे रामघाट पे। गाइस आज ही गणपति जी का विसर्जन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं हैं, यहाँ पे विसर्जन हो रहा है। देख सकते हैं माता जी गणेश भगवान की पैर को धुल रही हैं और इनका विसर्जन कर रही हैं। गणपति जी का विसर्जन यहाँ पर डेढ़ दिन में ही हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं ये लड़का है जो कि नदी के बीचों बीच गणपति जी को ले जाके वहाँ पे विसर्जन करेगा, वहाँ पे ले जाएगा। देख सकते हैं बीचों बीच चला गया है लड़का, अब वहीं पे मूर्ति को छोड़ देगा नदी के बीचों बीच, उसके बाद विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद वो चला आएगा। विसर्जन हो चुका है गणपति जी का, आज 8 तारीख है, तब भी विसर्जन हो गया है यहाँ पे। दिनेश भाई के साथ हम आए हुए हैं यहाँ पे रामघाट पे, तो अभी हम आपसे मिलवाएंगे। एक लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है, उनका शूटिंग चल रहा है गणपति जी के साथ, वहाँ पे देख सकते हैं शूटिंग चल रहा है, अभी हम आपसे उनसे मिलवाएंगे ज़रूर। अगर जो मिलेंगी तो सही है, नहीं मिलेंगी तो भी सही है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से शाम का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, और सूर्य भगवान भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। रामघाट पे चला जाए, शाम का आप आया तो वहाँ पे बहुत अच्छा खासा दृश्य रहता है, तो इसीलिए मैंने सचिन भाई बोला कि चलो आओ चला जाए रामघाट। तो गाइस हम इसी के साथ आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए, तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे शाम का नज़ारा रामघाट का। तो गाइस देख सकते हैं शाम का नज़ारा, शाम हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं रामघाट पे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान छिपने वाले हैं, और नदी का किनारा देख सकते हैं, लाली कितनी अच्छी लग रही है, प्राकृतिक सौंदर्य एक तरफ से बोल सकते हैं सूर्य भगवान का। और देख सकते हैं यहाँ पे दिनेश भाई खड़ा है, वहाँ पे शूटिंग हो रही है। हम लोग आए हैं रामघाट पे, यहाँ पे देख सकते हैं बादल कितना अच्छा है, वहाँ पे देख सकते हैं शंकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जहाँ पे ऑटो खड़ा है वही मेन गेट है, हम लोग मेन गेट पर इस समय खड़े हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं जहाँ पे शमशान घाट रामघाट पे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो हम उसके करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको शाम का नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आज देख सकते हैं दिनेश भाई मेरे साथ में आया है आज। तो हम पहुंच चुके हैं मुक्ति धाम पे, देख सकते हैं नदी का किनारा है, राजघाट पुल है रामघाट पे, सूर्य भगवान डूबने वाले हैं,
और हम आए हैं यहाँ पे रामघाट घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे मुक्ति धाम पे, यहाँ देख सकते हैं मुक्ति धाम पे शाम का नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा और हम लोग यहाँ पे कुछ अपना घूमने फिरने के लिए आए थे। तो गाइस आज हम आए थे रामघाट पे और शाम का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग पर्यटक लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। शमशान घाट है यहाँ पे, देख सकते हैं काफ़ी चिताएँ जली हुई हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कितना राख है यहाँ पे, काफ़ी चिताएँ जल चुकी हैं। और जब नदी का पानी जलस्तर इसका बढ़ता है तो ऊपर जलती हैं चिताएँ। और ये नदी काफ़ी बड़ी हुई थी, अब घट चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मिट्टी ऊपर तक आ गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और क्योंकि शाम हो चुका है और जाएंगे अपने दोस्तों के पास, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, और रामघाट का आनंद लें। और कमेंट में बताएं रामघाट कैसा लगा आपको।